जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है डिप्रेशन वाला। एक समय ऐसा आता है जीवन में जब हम डिप्रेशन की ओर झुक जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता और डिप्रेशन की स्थिति सौम्य ग्रहों से संबंधित लग्न राशि अगर हो तो इनको ज्यादा होती है, क्योंकि क्रूर ग्रह जो हैं जैसे राहु शनि शुक्र भी काफ़ी हद तक पीड़ा देता है। डिप्रेशन की स्थितियां कहा जाता है चंद्र राहु चंद्र केतु और बुध के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन शोध में पाया है डिप्रेशन की स्थितियां अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। तो इसके लिए हम खाली बुध चंद्रमा राहु को ही दोष नहीं दे सकते। तो आज मैं आपको इस बारे में नहीं बताऊंगा कि भाई किस ग्रह की वजह से और क्या स्थिति ऐसी होती है कि जिसकी वजह से डिप्रेशन व्यक्ति सहन करता है, स्ट्रगल करता है। आज के विषय में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, डिप्रेशन कर्ज के कारण भी हो सकता है, डिप्रेशन पैसों की वजह से भी हो सकता है, डिप्रेशन नौकरी ना लगने की वजह से भी हो सकता है, व्यापार ना चलने की वजह से भी हो सकता है, पत्नी या पति की वजह से भी हो सकता है, परिवार में कलह क्लेश की वजह से भी हो सकता है, प्रेम की वजह से भी हो सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि के साढ़े साथी अगर है तो भी डिप्रेशन में वो लेके जा सकती है, खासकर कर्क सिंह धनु मेष वृश्चिक लग्न वालों को भी साढ़े साथी जबरदस्त परेशान करती है। अंतिम चरण में जाते जाते डिप्रेशन तक पहुंचा देती है। तो देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूं, उपाय बताता हूं, जिससे डिप्रेशन आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपको क्या करना है, आंवला जूस बाजार से मिल जाएगा आपको और काले तिल, ये आपको एक कटोरी लीजिए, उसमें थोड़े से आंवला का जूस ले लीजिए, एक चम्मच काले तिल उसमें डालिए। काले तिल शनि और राहु से संबंधित हैं, पितरों से भी संबंधित हैं, हर देवी देवताओं से संबंध रखता है काला तिल, और आंवला जो है वो बुध से संबंधित है, लक्ष्मी से संबंधित है, विष्णु जी से इसकी उत्पत्ति हुई है और धन से संबंधित यह है। यदि आप आंवले से अपना सिर धोते हैं, बाल धोते हैं, नहाने के जल में यदि आंवले का उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है। तो आपको कटोरी में आंवला लेना है और काले तिल में लइए। स्नान से पूर्व अपने बालों में लगाइए और जल डालिए, और जब तक काले तिल सारे नीचे नहीं चले जाते अच्छी तरीके से तब तक डालते रहिए। तो ऐसा करेंगे आप तो कुछ दिनों में आपका जो डिप्रेशन है उसका लेवल कम होता चला जाएगा। आंवले के स्नान से विष्णु और लक्ष्मी दोनों परम प्रसन्न होते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास
होता है, पाप भी मिटते हैं आंवले के स्नान से। तो ये आप कीजिए, आंवला और काले तिल आपको काफ़ी हद तक डिप्रेशन से बचा देंगे। करके देखिएगा, आपको अद्भुत लाभ जरूर मिलेगा। और आंवला आपको हर जगह उपलब्ध हो जाता है मार्केट में, काले तिल भी उपलब्ध हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा एक कटोरी में स्नान के समय इतना आप कीजिए, डिप्रेशन से आपको छुटकारा तुरंत मिलेगा। फिर हाजिर होऊंगा मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।